हेलो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं जीआईएस के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में कि जीआईएस में कौन कौन से कंपोनेंट्स मेनली होंगे जो हम यूज करने वाले हैं ठीक है लेकिन उसके पहले हम चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं जीआईएस का एस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं देखिए जीआईएस जो है वो ऐसा नहीं है कि अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है जी उस टाइम पे भी था जबकि जी आई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं था हम्म कैसे इसके लिए हम एग्जाम्पल एक एक ले सकते हैं एटीन फिफ्टी फोर में पेंडेमिक आई थी 1854 में एक पेंडेमिक आई थी जिसका नाम था लंडन कॉलेरा एपिडेमिक ठीक है जैसे अभी कोरोना आया है वैसे ही उस टाइम पे क्या था लंडन को, कोलेरा एपिडेमिक थी लेकिन ये जो कोरोना आया वो कैसा है वो वर्ल्ड वाइड आया था हर जगह आया था वो सिर्फ लंडन में ही हुई थी तो ये कोलेरा एपिडेमिक में क्या हो रहा था कंटिन्यूसली बहुत सारी कोलेरा के कारण डेथ्स हो रही थी ठीक है तो ये जो डेथ्स हो रही थी आ, जो कॉलेरा है वो क्यों हो रहा था कि कोई कोई ना कोई पॉल्यूटेड वाटर को क्या कर रहा था कंज्यूम कर रहा था तो इसके लिए क्या किया गया वो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक मैप प्रिपेयर किया वो मैप कैसा प्रिपेयर किया उन्होंने से पहले एक मैप लिया जिसमें क्या था सारी स्ट्रीट्स और सारे घर वगैरह पर भी क्या था के पेशेंट्स थे जहां पे का मैप है ठीक है तो वहां एक स्ट्रीट के मैप को लिया गया उसके बाद वहां पर वो जो कॉलेरा की डेथ्स जहां हो रही थी वहां का एक मैप बनाया गया एक मैप बनाया गया जिसमें क्या किया जहां जहां पर डेथ्स हो रही हैं वहां वहां पर ऐसे पॉइंट से बना दिया गया ठीक है ऐसे पॉइंट डॉट 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 ऐसे शो कर दिए गए कि यहां यहां पे इतनी इतनी डेथ हो रही है उसके बाद एक और मैप बनाया गया ठीक है ये वाला जो मैप बनाया गया इसमें उन्होंने क्या किया कहाँ कहाँ पर वाटर पंप से जो यूज हो रहे हैं उन उनको लोकेट किया जिसे मान लीजिए ये कुछ है बड़े सर्कल बना जैसे यहाँ पे डॉटेड पॉइंट्स थे जो कि बता रहे थे कॉलरा की कितनी डेथ हुई है वैसे ये जो बड़े बड़े सर्कल हैं ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर वाटर पंप्स है उन्होंने क्या किया ये तीन तरीके के मैप्स को लिया ये तीन तरीके के मैप्स को लेके उन्होंने क्या किया इन सबको ओवरलैप कराया और जब इन्होंने इन तीनों मैप्स को ओवरलैप कराया तो क्या मिला इनको जैसे अगर हम इसको ओवरलैप कराए तो हमें क्या मिलेगा हमें पता चल जाएगा मान घर भी होंगे स्ट्रीट्स में क्या है सारे घर भी है। ये मैंने में, बनाया, बट में कैसे मैप्स होते कहीं पे बड़ा एरिया कहीं पे छोटा एरिया अब क्या करेंगे हम इस पे ये वाले मैप को भी ओवरलैप कर देते हैं हम तीनों मैप्स को मिला रहे तो। अब मैंने इसमें जो वॉटर पंप वाला मैप है उसको भी मिला दिया तो मैं ऐसे जनरलाइज बना रही हूँ ठीक है मतलब टू द नहीं बना रही हूँ मैं अब इसको मैप को देख के उन्हें ये समझ में आ गया कि जनरली जो डेथ्स हो रही हैं वो क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पंप का वाटर क्या कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं ठीक है थीके? तो उन्होंने क्या बोला कि आप क्या करिए इस पंप का हो सकता है ये पंप और ये पंप दो पंप ऐसे हो जिसकी वजह से Uh, क्या हो रहा है ज्यादा ये जो पॉल्यूटेड वाटर है वो क्या लोग कंज्यूम कर रहे हैं मतलब ये जो दो पंप है जहां से पॉल्यूटेड वाटर आ रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला आप अभी के, अभी क्या करिए इससे और इस पंप से वाटर कंज्यूम करना बंद कर दीजिए आप क्या करिए कहीं और uh, किसी और पंप का वाटर को कंज्यूम करिए और इस तरीके से जो एपिडेमिक थी ये एंड हो गई ठीक है वैसे ही सेम अगर कोरोना का देखे अपन तो कोरोना में भी, भी क्या हुआ था uh, जहां पर ज्यादा जितने केसेस थे तो वो क्या करते थे आज, अगर आप न्यूज चैनल देखेंगे उस टाइम पे तो न्यूज

भी दो चीजों को तीन चीजों को लिंक कर सके और उस लिंक के बाद हमें क्या मिल जाए हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए जैसे कोविड में क्या उन्होंने एक एरिया था जैसे मान लीजिए ज्यादा डेथ हुई है या फिर कहां पे कितने ज्यादा कोविड एक्टिव पेशेंट्स है और उसके से में क्या पता चल गया कि हाँ इस वाले एरिया में क्या इस वाले एरिया में नहीं जाना जैसे कि आ, कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहांगीराबाद वहां पर क्या होगा केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे ठीक है तो वो कैसा था हाईली डेंस एरिया था और इसी डेंसिटी के कारण क्या हो गए वहां पे केसेस ज्यादा मिले थे ठीक है तो ये हमने देखा कि जीआईएस अभी से नहीं शुरू हुआ है जीआईएस बहुत पहले से शुरू हुआ था और ये तब भी होता था जब जीआईएस सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं था

ठीक है जीआईएस में जो डेटा है वो किस हिसाब से रहता है इसकी बात हम क्या करेंगे आगे करेंगे तो चलिए जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट जनरली कितने टाइप के हैं टोटल पांच कंपोनेंट्स होंगे ठीक है पांच कंपोनेंट्स में क्या होगा पहला होगा हार्डवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर तीसरा डेटा फोर्थ है पीपल और फिफ्थ है प्रोसेस ठीक है जब मैं कंपोनेंट की बात कर रही हूं तो कंपोनेंट में अगर हम देखेंगे तो जीआईएस में मेनली तो जो है वो तीन तीन कंपोनेंट्स है ठीक है कौन कौन से तीन कंपोनेंट है पहला है डेटा दूसरा है यूजर और तीसरा है कंप्यूटर सिस्टम ठीक है डेटा डेटा मतलब कि जो डेटा हमें मिलेगा या जो डेटा हम इनपुट देंगे वो डेटा ठीक है एक मेन कंपोनेंट हो गया डेटा क्योंकि डेटा के बिना कुछ काम नहीं हो सकता सेकंड मेन कंपोनेंट क्या हो गया यूजर क्योंकि यूजर ही नहीं होगा तो उस डेटा को यूज कौन करेगा थर्ड जो है वो कंप्यूटर सिस्टम आप ये जितना भी डेटा है उसको मैनेज कैसे करेंगे डिस्प्ले कहाँ करेंगे तो उसके लिए क्या लगेगा हमें कंप्यूटर सिस्टम लगेगा ठीक है अब इसी कंप्यूटर सिस्टम के जो है पर्टिकुलर फिर क्या है तीन आ, तीन इसमें क्या है कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के अगेन तीन कंपोनेंट्स है कौन कौन से तीन कंपोनेंट है पहला है हार्डवेयर दूसरा है सॉफ्टवेयर और तीसरा क्या है प्रोसीजर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर में हार्डवेयर में हम क्या देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम होता है जो जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होगा ऐसे इसको बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग इस तरीके की प्रोग्रामिंग रहेगी जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे उस हार्डवेयर में किसी भी चीज को रन करवाएंगे ताकि हमें क्या मिल सके हमारा डिजायर्ड डेटा मिल सके और प्रोसीजर में क्या होगा प्रोसीजर में हम क्या करेंगे मान लीजिए हमें जो डेटा है वो क्या चाहिए कुछ भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से देखेंगे कंपोनेंट्स को थैंक यू